ये दोस्तों प्याज के, मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखाना ज़रूर चाहूँगा कि जो जहाँ पर प्याज की ऑप्शन होती है, प्याज बिकती है, वहाँ पूरा पानी का भी तालाब भी बना हुआ है। और इतनी बड़ी मंडी होने पर ये सुविधा भी नहीं है हमारे अलवर मंडी में। और ये अगर प्याज आई होती तो ये कहाँ बिकती दोस्तों? ये पूरा पानी का तालाब बना हुआ है मंडी हमारी। तो नमस्कार, मैं नरेंद्र मुखीजा अपने YouTube चैनल पे दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं इस समय आपको अलवर मंडी का दृश्य दिखा रहा हूं। लगभग ग्राउंड में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कल रात को भी अलवर ज़िले में तेज बारिश हुई है। और हमारे आड़ती भाई भी देखो इस समय खाली बैठे हैं। आज अलवर मंडी में प्याज की आवक नहीं हुई है, लगभग कुछ 10-20 कट्टे ज़रूर नज़र आएंगे आपको फड़ के ऊपर। लगभग 10-20-30 कट्टे की ज़रूर आवक हो सकती है। और अभी प्याज की बोली भी नहीं लगी है और लगभग पूरा अलवर मंडी लगभग पूरी खाली है। चारों तरफ दिखाता हूँ और लगभग ग्राउंड में आप देख ही रहे हो पानी भरा हुआ है। शाम को भी लगभग दोस्तों काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। और इस मौसम के चलते हुए अलवर मंडी में आज प्याज की आवक बिल्कुल नहीं हुई और कोई 100-150 कट्टे की ज़रूर आवक दिख रही है। और पूरी मंडी लगभग खाली है। सभी आड़ती भाई लगभग आराम से बैठे हैं इस टाइम। और अभी वैसे अलवर मंडी में दोस्तों प्याज की आवक जरूर रहेगी, ये मौसम खुलने के साथ थोड़ी बहुत आवक जरूर दिखाई देगी आपको। चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।